हिंद वॉरियर न्यूज़ चैनल का हम काफ़ी दिल से जो धन्यवाद करते हैं, उन्होंने भी हर इस मुहिम में हमें हर कदम पे साथ दिया है। नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। हैशटैग जस्टिस फॉर सूरज और विश्वजीत की मुहिम अब कामयाब होने लगी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग करते हुए पीड़ितों को इंसाफ और मुजरिमों को सजा देने के लिए आगे आया है, जिसके चलते आज पीड़ित के कुछ परिजन और गांव में सहयोग कर रहे कुछ लोग पहुंचे कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। आज हम कमिश्नर साहब से मिलके जो ये हमने एप्लीकेशन सबमिट करी थी 1 तारीख को, उसके बारे में जानने आए थे कि क्या कार्रवाई उन्होंने अब तक की है। सर, क्या है इस एप्लीकेशन में? इसमें ये लिखा हुआ है कि किन लोगों ने क्या क्या मारा है, जो वीडियो में दिख रहे हैं सारी चीज़, उन लोगों के खिलाफ नाम दर्ज है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को हमने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी। आज कमिश्नर साहब ने हमें जैसे बताया है कि 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और जो हथकड़ी थी वो भी बरामद हो चुकी है। पुलिस का हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है इस मामले में और हमारे साथ जो इस मुहिम में जस्टिस फॉर सूरज एंड विश्वजीत, इस मुहिम में हमारे साथ राजस्थान से राजेंद्र टोक्सिया भी जुड़ चुके हैं और बाकी सब लोग भी जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है, इस मुहिम को आप लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। मैडम, जब हमने ये वीडियो देखा, मैं मानवता के नाते राजस्थान से यहाँ पे आया हूँ और पूरे गांव वाले लोग ये चाह रहे हैं कि बेचारे उत्तर प्रदेश से आके ये मजदूरी का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनको पीटा गया। तब हमने यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि बिल्कुल उन बच्चों को न्याय मिलेगा। पुलिस हमारी बहुत सहायता कर रही है, कमिश्नर साहब का यही धन्यवाद है, हमारी बहुत मदद कर रही है, इसलिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस टाइम पेपर। हमारे कमिश्नर साहब बहुत हमारी गरीबों की बहुत मदद कर रही है, उनकी बहुत अच्छी वो है कि हमारी सहायता कर रही है और हमारे लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। और हमारे पिताजी बहुत, हम सारे बहुत गरीब है, पर कमिश्नर साहब से यही है कि हमारे बच्चे उनको कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए और बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। मैम, बच्चों की अब हालत कैसी है? बच्चों की हालत ज़्यादा सीरियस है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं। क्योंकि हमारे जो दोनों भाई इतने ज़्यादा जख्मी हुए थे और मेरे भी पैर में उसने ईंट मारा था और यहाँ पे भी खींच के ऐसे मारा तो मैं गिर गया था। मुझे ये सब चीज़ सही है, इसलिए सीख कही है क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर बाहर से आके यहाँ कमाते हैं। हमारे उधर कोई ऐसे बेरोजगार, सब लोग बेरोजगार हैं तो यहाँ पे आके हम कमा रहे हैं। कल के हमको ना सर वो जान से भी मार सकते हैं जैसे उन्होंने मारा है, आज हमसे भी ये सब चीज़ कर रहे हैं। कल के धमकाने, डराने, हर चीज़ सब कुछ हो सकता है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ देने के लिए सर तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर हम तो फिर यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ जाएंगे भी तो हमारा सबके कोई भी साथ नहीं दे सर इस टाइम पर। लेकिन हमारा गाँव वाले भी साथ दे रहे हैं, सब लोग हमारे साथ में हैं, क्योंकि न्याय के साथ सब देते हैं, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन जनता का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और निष्पक्ष भाव से जांच कर लोगों को इंसाफ भी दिलाती है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।